sa re ga ma da ni sa sa ni da pa ma ga re sa re sa ni da ni sa re ga re sa ga ma pa ma ga ma ga re sa re sa ni sa re sa ga re sa ga ma pa ma pa ma ga ma dha pa ma pa ma ga ma ga ma pa ma ga ma ga re sa re sa ni da ni sa. हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है. आइए इस वीडियो में मैं राग मालगुंजी में एक नगमा यानी लहरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ. राग मालगुंजी ये बहुत ही खूबसूरत सा राग है, ठीक है. और इसमें ये जो हमारा नगमा है ये 3 ताल 16 मात्रा में निबद्ध है. तो आप इसको ध्यान से अच्छे से देखें. सबसे पहले आप राग मालगुंजी की आरोह अवरोह का खूब प्रैक्टिस करें. जब आप राग के आरोह अवरोह का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको राग का चलन पता चल जाता है और फिर उसमें आप अच्छे से नगमा को प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है. राग मालगुंजी जो है इसके आरोह में पा स्वर जो है वो वर्जित होता है और इसमें दोनों गंधार का प्रयोग होता है. नी स्वर इसमें कोमल लगता है, ठीक है. आरोह जब करेंगे तो शुद्ध गंधार का प्रयोग करेंगे और अवरोह करेंगे तो कोमल गंधार का प्रयोग करेंगे, ठीक है. तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस नगमा को दिखा रहा हूँ. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो डालूं वो आपके पास पहुंचता रहे और आप इसे देखकर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले राग मालगुंजी जो है इसका आरोह अवरोह क्या होगा और उसके बाद नगमा की सरगम. ये हमारा आरोह हो गया. सा रे गा मा धा नी सा, पांच स्वर इसमें आरोह में वर्जित रहेगा. सा नी धा पा मा गा रे सा. अवरोह जब करेंगे तो कोमल गंधार का प्रयोग करेंगे और आरोह करेंगे तो शुद्ध गंधार का. नी स्वर हमेशा कोमल लगेगा, ठीक है. तो ये था हमारा इसका आरोह अवरोह. आरोह अवरोह का खूब आप प्रैक्टिस करें. अभी जो मैंने आपको शुरू में गाकर दिखाया वो भी हमारा आरोह अवरोह ही था, ठीक है. अब आइए देखते हैं नगमा की सरगम हमारी क्या होगी. पहले मैं आपको नगमा की सरगम सिंपली बता देता हूं और उसके बाद उसको हम लय में गाएंगे. सा सा नी धा मा, सा सा नी धा मा. धामा एक मात्रा में आएगा, ठीक है. इनको हमें एक साथ ही लेना है. सा सा नी धामा, पा गा गा रेसा, गा गा रेसा. रेसा जो है ये भी हमारा एक मात्रा में होगा और उसके बाद रे सा धा सा, रे गा मा धा. अब इधर जब हम वापस जाएंगे तो शुद्ध गंधार का प्रयोग करेंगे, मैंने बताया, और अवरोह करेंगे तो कोमल गंधार का. अभी आप कंफ्यूज हो रहेंगे, मैं फिर से बताता हूं. सा सा नी धा मा, ये हमारी चार मात्रा हो गई. एक दो तीन चार. पा गा गा रेसा, ये हमारी चार मात्रा हो गई. एक दो तीन चार, तो चार चार 8 हो गई. रे सा धा सा, ये हमारी चार मात्रा हो गई. एक दो तीन चार, और उसके बाद रे गा मा धा. एक दो तीन चार, तो चार चक्कू 16 मात्रा हमारी हो गई, ठीक है. एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह
16 और फिर एक, तो सा सा नी धा मा पा। पा जो स्वर होगा हमारी जो पांचवी मात्रा है वो हमारा सम होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो हमारा रिदम स्टार्ट होगा वो पांचवी मात्रा से स्टार्ट होगा। अब आइए मैं आपको आपको गाकर दिखाता हूं। सा सा नी धा मा पा गा गा रे सा रे सा धा सा रे गा मा धा सा सा नी धा मा पा गा गा रे सा रे सा धा सा रे इस प्रकार इस पूरे नगमा को हमें प्रैक्टिस करना है। पहले तो आप गाकर इसके साथ प्रैक्टिस करें, और अगर आप नहीं गाना चाहते हैं फिर भी आप सरगम को याद करें और फिर उसको बिना भी गाए बजा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप अच्छे से खूब मन लगाकर प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें ताकि आप अच्छा कर सकें। और मैं अगला वीडियो बहुत ही जल्दी डालूंगा, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट में, उसमें बहुत सारे वीडियो आपको नगमा के, कम से कम 50 रागों के नगमा मैंने डाल रखे हैं। एक ताल, झप ताल, दादरा, कहरवा, तीन ताल सब में पड़े हुए हैं। आप किसी भी ताल का नगमा निकाल कर उसको बजा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।